एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। जीत की खुशी में बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है। शिमला में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने रिज मैदान पर बारिश के बीच नाटी डालकर और लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद सहित अन्य महिला नेत्रियों ने पहाड़ी धुन पर नाटी डालकर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। एनस्टार न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे लगता है महिलाओं के चेहरे पे और भाई लोगों के चेहरे पे भी जो खुशी है वो अपने आप में बयां करती है कि समाज के उस क्षेत्र से आने वाली आदिवासी बहन को लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान मिला है और बहनें बारिश की परवाह ना करते हुए इस नृत्य का आनंद ले रही हैं। ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए सुखद है क्योंकि महिलाओं को शक्ति जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और पूरे प्रदेश की तरफ से हमारे पूरे देश को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को और हमारी नई नव निर्वाचित बहन द्रौपदी मुर्मू जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है और ये दिख रहा है, हमारी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। महिलाओं को मान सम्मान मिल रहा है और हम तो देव भूमि में खड़े हैं, यहाँ पे महिलाओं को वैसे ही बहुत मान सम्मान मिलता है। उसी कड़ी में ये हमारे लिए सौभाग्य है कि एक महिला, वो भी आदिवासी, जिसने संघर्षों से अपना जीवन आगे बढ़ाया है, वो इस उच्च पद पे पहुंची है और यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरीके से परिवारवाद की भाषा नजर नहीं आती। एक साधारण महिला कभी भी किसी भी उच्च पद पे पहुंच सकती है, अपने अंदर की शक्ति को बनाए रखें।